गजसिंहपुर से। राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गजसिंहपुर में इन दिनों कोविड वैक्सीनेशन का तृतीय चरण का आगाज किया जा चुका है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पेंडिंग द्वितीय डोज के साथ साथ 60 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को प्रथम डोज लगाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। राजकीय चिकित्सालय प्रभारी डॉक्टर मंजू कम्बोज ने बताया कि 45 वर्ष से 60 वर्ष वाले नागरिकों का चिकित्सक प्रमाण पत्र के आधार पर टीकाकरण किया जाएगा। डॉक्टर साधना थप के द्वारा आमजन से अपील की गई है कि वैक्सीन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है तथा वैक्सीन स्वास्थ्य हेतु लाभकारी है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाएं और अफवाहों से बचें। वहीं तहसीलदार सुशील कुमार सैनी पदमपुर एवं स्थानीय नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी लक्ष्मी नारायण मोदी के द्वारा राजकीय चिकित्सालय का अचानक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित आमजन को टीकाकरण पश्चात उनका हालचाल पूछा गया। इस पर राज्य सरकार के द्वारा चलाए गए कोविड-19 टीकाकरण अभियान से महिलाओं ने खुशी जाहिर की। इसके साथ वहां पर उपस्थित व्यक्तियों को तहसीलदार सुशील कुमार सैनी के द्वारा टीकाकरण हेतु प्रेरित किया गया। भाई आप कितने साल के हो? 80 साल। टीका लग गया आपने, तब दिक्कत तो नहीं आई आपको? वैसे घर जाने के बाद अपने आसपास भी सबको प्रोत्साहित करना है कि ये बहुत ज़रूरी है इस बीमारी से अपने को बचाव के लिए। मैं कम लिखी हुई है और वैसे कोई रेगुलर लगा वैसे साथ के वोट वोटों वाले में कितनी है? उसमें कम है ना, ये कम का आधार में भी कम है वोटों वाले में भी। वोटर आईडी तो नहीं है, तो इनका कहना है 10 दिन बाद 50 से 60 फॉर्म का आप प्रोत्साहित करना है सबको। आज बोर्ड में जाके टीका लगवाएं, क्योंकि यही टीका जब प्राइवेट हॉस्पिटल में अपन लगवाएंगे तो 500 रुपये लग रहे हैं। एक डोज 28 दिन बाद लगेगा। वैसे एक डोज खूब है, अच्छा है, सफिशियंट है। खबर भारतवर्ष के लिए गजसिंहपुर राजस्थान से सुप्रीत सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।